सदियां बीत गई, हजारों साल बीत गए। हाँ, इतना बड़ा के हमारी मस्तक के कायर बना, तुम्हारी आवाज की गति समय न जाने कितनी बातें रोज कहां से सीख रहा थी। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं। सोशल टॉपिक पर बेस्ड थी 1953 की फिल्म शिकस्त। कौन से लेजेंडरी एक्ट्रेस ने किया था इस फिल्म में एक्ट और किस बंगाली फिल्म की रीमेक थी ये फिल्म और क्या थी इसकी कहानी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। दोस्तों आपको बता दें कि शिकस्त को उस जमाने की एक बहुत ही असामान्य फिल्म के रूप में देखा जाता था। इस फिल्म में आजादी के बाद देश में नेहरूवादी सोशलिज्म के चलते बड़े और अमीर जमींदारों द्वारा गरीब किसानों पर अत्याचार किए जाने को ऑडियंस के आगे लाया गया था। ऐसे टॉपिक को उस समय लाना काफी डेयरिंग की बात थी। आइए बात करते हैं इस फिल्म से जुड़ी हर डिटेल के बारे में। तो आपको बता दूं कि 1953 में रिलीज हुई हिंदी ड्रामा फिल्म शिकस्त को डायरेक्ट और प्रोड्यूस दोनों ही रमेश सहगल ने किया था। रमेश सहगल उस जमाने के जाने माने फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और तो और एक्टर हुआ करते थे। उन्हें आज शिकस्त के अलावा शहीद, शोले और शबनम, अनारकली, समाधि, रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी शानदार फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। बात करें इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स की तो वो लिखे थे वजाहत मिर्जा ने। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इस फिल्म में लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार मेन लीड में नजर आए थे। ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाने वाले दिलीप कुमार को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए आज भी बच्चा बच्चा जानता है। इस फिल्म में उनका रोल एक डॉक्टर का था, तो वहीं उनके ऑपोजिट फीमेल लीड में थी नलिनी जयवंत। नलिनी जयवंत 1940s और 1950s की हिंदी फिल्मों में नजर आया करती थी। बता दें कि उन्होंने अपनी खूबसूरती और बेहतरीन एक्टिंग से सभी को अपना दीवाना बना लिया था। दिलचस्प बात यह है कि शिकस्त में नलिनी ने नेगेटिव रोल प्ले किया था, वो एक क्रूर विधवा के रूप में नजर आई थी। दिलीप कुमार के लिए शिकस्त उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक है, जो उनकी एक और ऐसी फिल्म है जहां हीरोइन और उसके बीच प्यार का होना जरूरी नहीं था। बात करें इस फिल्म की कहानी की तो माना जाता है कि शिकस्त की कहानी बंगाली फिल्म पल्ली समाज पर बेस्ड थी। दिलीप कुमार ने इस फिल्म में डॉक्टर राम सिंह का कैरेक्टर निभाया था। कहानी कुछ यूं थी कि 7 साल गायब रहने के बाद डॉक्टर राम सिंह अपनी जमीन बेचने के इरादे से अपने गाँव लौटता है। वो पाता है कि स्थानीय जमींदार और जमींदार की बहन सुषमा, जिसका किरदार निभाया था नलिनी ने, द्वारा किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पता थी कि डॉक्टर और सुषमा कभी एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में वो एक क्रूर विधवा बन चुकी थी। किसानों को और पीड़ित न होते हुए देखने के लिए राम ने जमीन बेचने का फैसला लिया और बदले में एक स्कूल और एक हॉस्पिटल खोला। जब गांव में प्लेग की महामारी टूट पड़ी, डॉक्टर राम सुषमा के बेटे को बचा लेते हैं और प्यार की आग फिर से जग जाती है। हालांकि सोशल वर्क्स किसी भी दिल को खोलने से रोकते हैं और सुषमा राम को गांव छोड़कर जाने से रोकने के लिए बहुत ही क्रूरता से काम लेती है। इस बीच उसका भाई बहुत ही अजीब और गलत अफवाह फैलाकर इस जोड़ी के खिलाफ दुश्मनी बढ़ा देता है, जो गांव के अंधविश्वासी लोगों को उत्तेजित करती है, जिससे कि इस फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही ट्रेजिक निकल कर आता है। तो अगर बात करें अब इसके गानों की तो ऐसे गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। हर एक गाना एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाता है। इसका म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने और इसके लिरिक्स लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। शिकस्त में कुल मिलाकर 10 गाने थे, जिनका नाम था जब फूल खिले, तूफान में गिरी है, मेरी तकदीर, सपनों की सुहानी दुनिया, बदले रंग जहान की, हम तो हैं खेल खिलौने, करे बदरा तू ना जाने, चमके बुजुरिया, नई जिंदगी से प्यार करके देख, रात जाग के निकालूं। इसके ज्यादातर गाने लता मंगेशकर और तलत महमूद ने गाए थे। इन्हीं में से गाना हम तो हैं खेल खिलौने हेमंत कुमार ने गाया था, वहीं चमके बिजुरिया आशा भोसले और नई जिंदगी से प्यार करके देख मोहम्मद रफी ने गाया था। सभी गायकों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि इन लेजेंडरी सिंगर ने कितने बेहतरीन नगमे गाए हैं। तो शिकस्त उन फिल्मों में से एक है जो समय के साथ और बेहतर हुई है, रेलेवेंट बनी है और आज भी देखने लायक है। दोस्तों बता दें कि इस बात का भी रिमाइंडर है कि क्यों 1950 के दशक को हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा माना जाता था। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो बस यहीं देखती, बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।